अगर हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएं जो पहले लोगों को मारता है, उसके बाद उनकी डेड बॉडीज के साथ रेप करके वो उनको खा जाता है, तो क्या आप यकीन कर पाओगे? क्या आप सोच सकते हो कि दुनिया में इतने भी ज्यादा भयानक लोग होते हैं? 2005 और 2006 में सीरियल किलिंग का एक ऐसा मामला सामने आया जिसको सुनने के बाद लोगों ने अपना सर पकड़ लिया, जिसके साथ ही सामने आया एक ऐसे शख्स का नाम जो छोटे बच्चों को ह्यूमन कैनिबलिज्म का शिकार बना लेता था। लेकिन क्या आपको पता है ह्यूमन कैनिबलिज्म बोलते किसको है? क्या होता है ह्यूमन कैनिबलिज्म? ह्यूमन कैनिबलिज्म एक ऐसा एक्ट जिसमें एक इंसान ही दूसरे इंसान को मारकर खा जाता है। निठारी हत्याकांड, एक ऐसा हत्याकांड जिसने देश को दहला कर रख दिया था। आजाद हिंदुस्तान में किसी आदमखोर की ऐसी दहलाने वाली कहानी इससे पहले किसी ने नहीं सुनी थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। नोएडा में साल 2005 में लगातार बच्चों के कई सारे किडनैपिंग के केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन पुलिस इन सारे केसेस को सीरियसली नहीं ले रही थी। एंड यू नो व्हाट, केसेस को सीरियसली ना लेने का एक बहुत ही स्टूपिड सा रीजन सामने आया था, और वो रीजन ये था कि ज्यादातर मिसिंग बच्चों में से लड़कियों की मेजोरिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए केसेस को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। 2005 और 2006 में जब बच्चों की लगातार मिसिंग कंप्लेंट सामने आने लगी, तब इसी के साथ निथारी केस 2006 का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबका दिल दहला दिया। ये कहानी है एक लड़की पायल की, जिसको सुनने के बाद आप भी यही सोचोगे कि कोई इतना खतरनाक और भयानक कैसे हो सकता है। 7 मई 2006 को पायल ने अपने पिता नंदलाल को बताया कि वो मोहिंदर सिंह पंथेर के बंगलों में जा रही है। उसके बाद जब पायल बहुत देर तक घर वापस नहीं आती है, तब नंदलाल मोहिंदर सिंह के बंगलों में जाते हैं, लेकिन वो अपने घर पर नहीं होते हैं। मोहिंदर सिंह के ना होने पर जब नंदलाल उसके सर्वेंट सुरेंद्र कोहली से पायल के बारे में पूछते हैं, तब वो कहता है कि उसको पायल के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद नंदलाल पायल की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, तब पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती है और साफ मना कर देती है। एक महीने तक जब नंदलाल को पुलिस में केस फाइल करने का कोई असर नहीं दिखता, फिर उसके बाद नंदलाल जून 2006 में नोएडा के एक एसएसपी से कांटेक्ट करते हैं। एसएसपी पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देते हैं और साथ ही वो इस पे इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देते हैं। जब पायल की कॉल रिकॉर्ड ट्रेस किए गए, उस टाइम पर तो कुछ और ही सामने आया। कॉल रिकॉर्ड सामने आने पर ये पता चला कि एक रात पहले पायल और सुरेंद्र कोहली की फोन पे बात हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को कस्टडी में ले लिया। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद ही बंगलों के मालिक मोहिंदर सिंह ने सुरेंद्र कोहली की बेल करवा दी, जिसके बाद पुलिस को भी सुरेंद्र कोहली को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके पास सुरेंद्र कोहली को लेकर कोई भी ठोस सबूत नहीं थे। जब एसएसपी से भी कांटेक्ट करने के बाद कुछ नहीं हुआ, तब 7 अक्टूबर 2006 को नंदलाल ने कोर्ट में अप्रोच किया। तब कोर्ट ने पुलिस को इस केस का पता लगाने को बोला। फिर जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तब ऐसी चीज सामने आई जिसको सुनकर पूरा देश हैरान था। जब पुलिस वहां पहुंची, तब वहां उनको बंगलों के पीछे वाले ड्रेन में बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, जिनको वहां मार के फेंका गया था। 29 दिसंबर 2006 को पुलिस ने मोहिंदर सिंह पंथेर और सुरेंद्र कोहली दोनों को कस्टडी में ले लिया। सीबीआई ने 60 दिनों तक सुरेंद्र कोहली को कस्टडी में रखा, और इतने दिन कस्टडी में रहने के बाद 27 फरवरी 2007 को सुरेंद्र कोहली ने फाइनली अपना क्राइम कन्फेस किया। कोहली ने जो कन्फेस किया, उसको सुनने के बाद लोगों की रूह कांप गई थी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल बी वर्चुअल नॉलेज को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। 9 फीमेल चिल्ड्रन, 2 मेल चिल्ड्रन एंड 5 अडल्ट वुमेन, ये गिनती है उन लोगों की जिसको पहले वो अपने घर में लेकर आया, फिर उनको मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज के साथ रेप किया, और रेप करने के बाद उनकी बॉडीज के टुकड़े कर दिए। बचे हुए टुकड़ों को उसने बंगलों के पीछे वाले ड्रेन में बहा दिया। कोहली ने ये भी कन्फेस किया कि वो पंथेर हाउस का सर्वेंट था। पंथेर अपने सर्वेंट के साथ बंगलों में रहता था, जबकि उसकी फैमिली चंडीगढ़ में रहती थी। इसके अलावा माया सरकार नाम का एक और सर्वेंट, एक माली और पंथेर के दो ड्राइवर्स भी उसके घर में रहते थे। जब पायल का केस सामने आया, तब बहुत सारे लोगों ने जस्टिस की मांग की। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि कोहली ने सारे मर्डर्स सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच ड्राइंग रूम्स में किए थे। मर्डर करने के फौरन बाद वो डेड बॉडीज को बाथरूम में ले जाता था, और वहां ले जाकर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता था। टुकड़े करने के बाद वो उनको बाथरूम में ऐसे ही छोड़ देता था, और उनको खाने के बाद ही वो बाथरूम और ड्राइंग रूम की सफाई करता था। इस पर विश्वास करना सच में बहुत मुश्किल है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी किसी केस में इन दोनों का नाम सामने नहीं आया। इन सब के बाद साल 2016 में पुलिस ने मोहिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली को मर्डर के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। क्या कभी किसी ने सोचा था कि हम सबको एक ऐसा दर्दनाक मामला सुनने को मिलेगा जो सबको हिलाकर रख देगा? कितना डर लगता है ना ये सब सोच के कि आज भी हम ऐसे लोगों के आसपास हैं जो बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक भी हैं। तो दोस्तों, ये थी पायल की कहानी, जिसको सुनने के बाद आज भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो जाती है। आज भी बहुत सारे बच्चे इंडिया के हर कोने में से मिसिंग हो रहे हैं, बहुत सारे महिलाओं के रेप हो रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई इस पर खुल के बात ही नहीं करना चाहता, और शायद यही वजह है इंडियन सोसाइटी में बढ़ते क्राइम्स की। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।